गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कई सारे लोग एक चीज पूछते हैं कि सर, हम लगातार कई बार प्रयास करते हैं, एफर्ट करते हैं, तब भी कई बार हमको सक्सेस नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती है, तो हम उदास जाते हैं। और एक बड़ी मतलब सामान्य सी बात है कि जब आप कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और आपको सक्सेस नहीं मिलती है, चाहे वो एग्जाम की बात हो या कोई भी तरह का, आप जो है कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कुछ भी, मतलब आप जो जिस चीज को पाने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए आप यदि प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करने के बावजूद सफलता नहीं मिलती है, तो उदास होना नॉर्मल चीज है, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताऊं मैं आपको, कि मैंने एक चीज गौर की है कि इतने सारे, जितने सारे हम रोल मॉडल सुनते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हम सब जानते हैं इलोन मस्क के बारे में, कि जो है टेस्ला और स्पेस एक्स के जो सीईओ है, ठीक है, इलोन मस्क सबसे, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है इस समय। हम जेफ वेजेफ के बारे में बात करते हैं, जो अमेजॉन के सीईओ है, अमेजॉन के जो है वो फाउंडर हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं हम। के लेरी पेज की बात करते हैं, गूगल के फाउंडर हैं, ठीक है, हम मार्क जुकरबर्ग की बात करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो लोगों को हम ऐसा सोचते हैं कि यार, इन लोगों ने तो आउटस्टैंडिंग काम किया अपने जीवन में, एक ही जनरेशन में बहुत बड़ा काम कर गुजरे ये। मतलब ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ी लीगेसी इनके पास में हो, कहीं से बहुत पैसा आया हो, तो खानदानी अमीर रहे हो, राजा महाराजा के घर से रहे हो, तो उसके बाद जो है उसको आगे बढ़ा लिया हो, ठीक है। लेकिन ये लोग जहां से, ये लोग जैसे अपने आप को क्रिएट किए ना, जी, हम उस पूरी कहानी को समझे हम, तो हम पाते हैं कि इन्होंने भी बहुत सारी असफलताओं का सामना किया। बहुत सारे जो इनको बड़े बड़े इवेंट ऐसे घटे हैं जहां पर ऑलमोस्ट ये खत्म होने की कगार तक पहुंच चुके थे। ऐसा कहते हैं इलोन मस्क भी जो है वो दिवालिया होने की, इसको बोलते हैं बैंकक्रप्ट होने की कगार तक पहुंच चुके थे, और उसके बाद फिर बिल गेट्स से उन्होंने कुछ पैसा लिया, उसका फिर काम को उसको आगे बढ़ाया उन्होंने, और फाइनली ये आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। अब आप सोचिए, यदि वो जब बैंकक्रप्ट होने तक पहुंच चुके थे, तब वो उदास हो जाते, डिप्रेस हो जाते, तो क्या आज इलोन मस्क को हम ऐसे याद करते? हमने तब तो कभी बात किया नहीं इलोन मस्क के बारे में, आज हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि आज हम उसकी सफलता को देख रहे हैं, लेकिन हम उसकी असफलताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, ठीक है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेजॉन जो दुनिया की इतनी पॉपुलर कंपनी है, अमेजॉन जो है उसका एक प्रोडक्ट, उसमें बहुत पैसा लगाया उसने, वो था फायर फोन। एक फायर फोन उन्होंने लॉन्च किया था, जो अमेरिका में, कनाडा में जो है वो उन्होंने लॉन्च किया, और बहुत पैसा लगाया उसमें, और वो सुपर फ्लॉप था उनका प्रोडक्ट। तो उनके जो शेयर थे कंपनी के, वो तेजी से नीचे गिरने लगे। अब तमाम इन्वेस्टर चिंता में थे, कि जिन्होंने पैसा लगा रखा था कि भाई अमेजॉन तो खत्म होने की कगार तक पहुंच जाएगा, ऐसा चलता रहा तो इतना बड़ा लॉस हो गया उसको। तो जब जेफ बेजोस का इंटरव्यू हुआ, तो लोगों को लगा कि शायद ये बोलेंगे कि भाई मेरे से गलती हुआ है, कोई बात नहीं, हम आगे कोशिश करेंगे। जेफ बेजोस ने एक बात बोला, उन्होंने कहा कि जब उनका इंटरव्यू लिया गया, तो उन्होंने कहा कि देखिए, फायर फोन का फ्लॉप होना जो है वो सिर्फ ट्रेलर है, अमेजॉन जो है वो 500 प्रयोग करेगा, बहुत सारी चीजें हम करेंगे, हो सकता है कुछ चीजों में हम जो है सफल हों, कुछ चीजों में हम असफल हों, के और जहां हम सफल होंगे वहां पर हम असफलताओं को जो है वो क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। हमें कोशिश करनी पड़ेगी, यदि हम कोशिश नहीं करेंगे, केवल असफलता से डर जाएंगे, तो हम आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि जब एक पेड़ पौधा लगता है, जमीन में पौधा लगता है, तो उसको जाने कितने हवा के थपेड़े से, जानवरों से, पेड़ों से कुचले जाने से सबसे बचना पड़ता है। कई बार वो कुचला भी जाता है, लेकिन फिर से वो खड़ा होता है, वो अपने जीवन में हार नहीं मान लेता है। और अमेजॉन हार मानने वाली कंपनी नहीं है, अमेजॉन करती रहेगी प्रयोग। अभी हमारा प्रोडक्ट जो है, अमेजॉन जो क्लाउड है, सर्विसेज है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, और दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्वर सर्विस प्रोवाइडर है वो। और आज भी अमेजॉन AWS जो है वो सबसे महंगा और सबसे बेहतर सर्विस प्रोवाइडर है। गूगल और अमेजॉन ऑलमोस्ट बराबरी बराबरी पर काम कर रहे हैं इस समय। अमेजॉन फॉर अहेड एक्चुअली गूगल से, गूगल कुछ समय बाद आगे निकल सकता है, जिस प्रकार गूगल काम कर रहा है सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करने में। तो खैर, तो ये चाहे आप इलोन मस्क की कहानी देखें, आप चाहे आप जो है इनकी कहानी देखें, आप जेफ बेजोस की कहानी देखें, आपके हर जगह पे आपको असफलता, यदि आप असफलताएं गिनेंगे ना, तो आपको मालूम चलेगा कि ये लोग जो है वो 100 प्रयास किए थे, 100 प्रयास किए, 100 इन्होंने चीजें सोची, उन्होंने 50 चीजें जान के आपको लगा कि तो एब्जर्ड है, एकदम से बकवास सोचती, कैसे सोच सकता आदमी है, ठीक है, नहीं चली, ठीक है, पर रिमेनिंग 50 चीजों में से 49 फ्लॉप कर गई उसमें, लेकिन एक जो हिट की उसने इनको यहां से यहां पहुंचा दिया। इसे हम लोग सब, इसको जो है वो बिजनेस की भाषा में क्या बोलते हैं, हम बिजनेस का मैनेजमेंट की बात करें तो उस भाषा में इसको बोलते हैं टेल इवेंट्स, बोलते हैं इसको हम टेल इवेंट्स। के हर आदमी की जिंदगी में कभी ना कभी कोई टेल इवेंट घटता है।
आप यकीन मानिए आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई टेल इवेंट घटेगा, और वो टेल इवेंट ही वो कहानी है जिसको आप बच्चों को सुनाएंगे, आने वाली पीढ़ियां उसको याद रखेंगी। बस कोशिश ये करनी है कि हमें प्रयास करना बंद नहीं करना है, हमें प्रयास करना बंद नहीं करना है। जब तक हम प्रयास करते रहेंगे तो टेल इवेंट लॉटरी लगने के जैसा होता है उठ के, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है इस कंपेयर टू लॉटरी, क्योंकि आप कोशिश करते करते आप बहुत कुछ सीखते हैं। आपके कई लोगों को लगता है कि सर आपने जो बायोमेंटर्स ऑनलाइन बनाया जिसमें कि आज लाखों बच्चा पढ़ता है, आपको बता दूं मैं बायोमेंटर्स ऑनलाइन में जो है वो लाखों की संख्या में बच्चा जो है यूट्यूब से सीधा, वो अभी यूट्यूब में लोगों को लगता है कि यूट्यूब में सर का चैनल उतना तेज ग्रो नहीं कर रहा है, क्योंकि बायोमेंटर्स ऑनलाइन सीधा का सीधा प्लेटफॉर्म बन चुका है। वहां कमेंटिंग कर सकते हैं, वहां बच्चे आके सीधे वीडियो देते हैं बगैर किसी डिस्टर्बेंस के, वहां वीडियो चलता है, तो एवरीथिंग इज के, तो एक पैरेलल प्लेटफॉर्म एजुकेशन का खड़ा हो गया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बायोमेंटर्स ऑनलाइन के शुरू होने के पहले, आज के तकरीबन मैं ईयर आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि ये बात है 2007 की बात है, 2007 में मैंने सेम प्रोडक्ट मैंने जो है वो लॉन्च किया था मेडिकल ऑर्बिटल के नाम से, मेडिकल ऑर्बिटल डॉट कॉम उस समय जो है वो वेबसाइट के रूप में मैंने लॉन्च किया था। उस समय मोबाइल एप्लीकेशन हुआ नहीं करते थे, और तो मैंने वेबसाइट लॉन्च किया था जिसमें सारा कुछ जो आज बायोमेंटर्स ऑनलाइन में है इससे मिलता जुलता तकरीबन 50-60% ऐसा ही सब कुछ उसमें सर्विसेज प्रोवाइड थी। लेकिन वो नहीं चला, उसको लेकर हमने बहुत बड़ी टीम भी बनाया, सब कुछ किया हमने, लेकिन वो नहीं चला, उसमें लॉस भी हुआ हम लोगों को। उसके उस समय की बात है पहले की ना, जब जब उस समय मेरा एजुकेशन में, मैंने आपसे कहा ना कि एजुकेशन में भले ही मैं डॉक्टर, पर मेरा एजुकेशन में शुरू से इंटरेस्ट रहा है। ठीक है, मेडिकल ऑर्बिटल में बहुत सारा था, मेडिकल लेक्चर्स थे उसमें, डॉक्टर कंसल्ट, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर थी। तो वहाँ एक असफलता मिला उस समय, वेबसाइट बनवाया तो बड़ा, उस समय हर किसी को उस लेवल का वेबसाइट बनाना आता नहीं था, तो इंदौर से एक सर्विसेज को हायर किया, बड़ा हेवीली हेप्टी चार्ज किया उन्होंने हम लोगों को। ठीक है, और चूंकि इंटरनेट उतना अधिक नहीं था वहाँ पे उस जमाने में, 2007 में आप सोचो इंटरनेट यूज़ करना मतलब ये कि बहुत बड़ा बिल बनता था इंटरनेट का, तो कोई इंटरनेट यूज़ नहीं करता था उस समय। तो लेकिन उस फेलियर से कि क्या 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 कोडिंग होता है, क्या इंटरफेस होता था, आपको बता दूँ कि बायोमेट्रिक्स ऑनलाइन में बहुत सारा कोडिंग जो है उसमें मेरा इनपुट गया हुआ उसके अंदर के, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो धीमे धीमे सीखता आदमी। तो असफलताएं जो होती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं कि कई लोग पूछते हैं सर आप डायबिटोलॉजिस्ट कैसे बने, आप डायबिटीज के एक्सपर्ट डॉक्टर में आप कैसे शामिल, मतलब मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं डायबिटीज की ही प्रैक्टिस करता हूं प्रेजेंटली। में जब मैं MBBS करके जो है वो कहीं पर मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर जुड़ा, और मेरे पास जब पहली बार किसी डायबिटिक पेशेंट का पर्चा आया, तो मैं उस पर्चे को देख के मुझे लगा कि यार ये पर्चे में तो जो है वो मतलब आप मरीज परेशान है, दमाम 10 डॉक्टर को दिखा चुका है लेकिन तब भी उसे रिलीफ नहीं मिलता है, और पर्चा मेरी समझ के थोड़ा बाहर है कि मुझे क्या करना चाहिए। देन आई डिसाइडेड टू बिकम ए डायबिटोलॉजिस्ट के। तो कई बार वो पर्चा मेरे लिए एक असफलता थी कि मैं उस मरीज को की हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो लाइफ में कई बार क्या होता है कि आपको बहुत सारे, मैंने आपसे कहा टेल इवेंट घटता है, कभी भी जिंदगी में एक बात ध्यान रखिए, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमेशा काम करते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम कहते हैं कि ऊर्जा कभी बर्बाद नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती, केवल एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। आप सही जगह ऊर्जा लगाएंगे, सही जगह एफर्ट करते रहेंगे, तो सही जगह पर आपको परिणाम दिखाई पड़ेगा, आज नहीं तो कल परिणाम आपको मिलेगा। क्योंकि ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये एनर्जी की ही कदर करता है, यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ की वैल्यू है, वो है एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा। इसलिए दम से लगे रहिए और असफलताओं से घबराइए मत, के टेल इवेंट का इंतजार कीजिए, आपकी जिंदगी में भी एक टेल इवेंट आएगा और आप बहुत आगे होंगे। हैव ए ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट।